वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस टॉरस। टॉरस, ये आपकी जुलाई की प्रेडिक्शन और गाइडेंस का वीडियो है और ओवरऑल लाइफ की प्रेडिक्शन है। मतलब कि आई एम सॉरी, जो मैसेजेस हैं वो लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं। हम देखेंगे कि जुलाई में क्या चीज़ें हो रही हैं, आप कैसा फील कर रहे हो, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, कौन सी चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं, और प्रिडिक्शन के टाइम पे गाइडेंस आ सकती है और गाइडेंस के टाइम पे प्रिडिक्शन आ सकता है। बट हम इसको करेंगे कैसे, पहले तो हम प्रिडिक्शंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि मेरा इंटेंशन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैल्यू मिल सके। तो ज़रूरी नहीं है कि आप 100% रीडिंग से रिलेट करें, बट बहुत सारे लोग 100% वर्ड टू वर्ड रिलेट भी करेंगे। बट कुछ लोग हो सकता है कि आप हियर एंड देयर यू नो मैसेजेस से रिलेट करो। और अगर इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट मुझे पता रहे कि मैं राइट ट्रैक पे हूँ। ओके, सो पहले आपके लिए द वर्ल्ड आया है और द फूल आया है। ओके, पहले तो अगर हम बात करें कि आप लाइफ के कौन से फेज में स्टैंड कर रहे हैं टॉरस, तो बहुत सारी न्यूनेस आपकी लाइफ में दिख रही है। तो कोई नया चैप्टर स्टार्ट हो सकता है आपके लाइफ के किसी एस्पेक्ट में, बिकॉज़ दोनों कार्ड बहुत ही एक जैसे हैं। आपको मैं एक चीज़ बताऊं, यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड है, ये टैरो डेक का सबसे आखिरी मेजर अरकाना होता है। मतलब कि यहाँ पे एक टैरो कार्ड्स की साइकिल यहाँ पे ख़त्म होती है और द फूल मेजर अरकाना का पहला कार्ड होता है। तो क्या समझ में आ रहा है हमें कि एक साइकिल आपकी लाइफ की ख़त्म हो रही है और नई साइकिल शुरू हो रही है। तो ये पूरी लाइफ हो सकती है कि लाइफ में जुलाई में काफ़ी ज़्यादा न्यूनेस आप एक्सपीरियंस करो। कई बार ये बहुत ही ज़्यादा सटल लेवल पे होती है और कई बार ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पे होती है। तो कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है कि यहाँ पे बहुत सारा एक्साइटमेंट दिख रहा है लाइफ को लेके, या फिर किसी एक पर्टिकुलर लाइफ के एस्पेक्ट को लेके आप एक्साइटेड रहेंगे, कुछ शुरू करने के लिए एक्साइटेड, लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके लिए एक्साइटेड, रूटीन चेंज को लेके एक्साइटेड, यू नो, तो कुछ ना कुछ नया है और आप एक्साइटेड हैं। आप में से कुछ लोग लीप ऑफ फेथ भी ले रहे हैं, आप में से कुछ लोग, ये साइड नोट है, सबके लिए नहीं है, बट आप में से कुछ लोग कुछ काम शुरू करेंगे या फिर किसी नए डायरेक्शन पे जाएंगे और आप मन में सोचेंगे कि मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, मैंने सब यूनिवर्स के भरोसे छोड़ रखा है, मैंने सरेंडर कर दिया है, मुझे बस इस पाथ पे जाना है या फिर मुझे ये काम करना है। तो ये बहुत ही द फूल की एनर्जी, बहुत ही लीप ऑफ फेथ की एनर्जी भी होती है कि हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, बट हम यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके किसी रास्ते पे चल रहे हैं, विच इज़ अ नाइस थिंग। मतलब अपना दिमाग ज़्यादा नहीं लगा रहे हैं और यूनिवर्स के ऊपर ज़्यादा चीज़ें छोड़ रहे हैं। उसके बाद में द टावर की एनर्जी है और एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। जुलाई का मंथ एक इस चीज़ पे भी फोकस्ड रहेगा कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ख़राब हुई हैं, आप उन चीज़ों को कॉन्स्टेंटली ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और कॉन्स्टेंटली आप एफर्ट लगा रहे हैं। तो फॉर से कि अगर हेल्थ अच्छी नहीं थी पिछले कुछ महीनों में, तो आप पूरी पूरी कोशिश करोगे, मेहनत करोगे कि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी रहे। अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं थी तो आप मेंटल हेल्थ को ठीक करने पे फोकस करोगे। अगर आपने पढ़ाई नहीं की है पिछले महीने और आपने बहुत सारा टाइम बर्बाद कर दिया है अपना, तो इस महीने आप उसको कवर अप करने की कोशिश करोगे अपने हार्ड वर्क से। तो कोई चीज़ पास्ट में कोलैप्स हुई थी, ख़राब हुई थी, उसको आप कॉन्स्टेंटली ठीक करने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत जुलाई में करने वाले हैं। चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हुए दिख रहे हैं जिससे कि आपने उसको बैलेंस आउट कर सके चीज़ को, यू नो। और उसके बाद में टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी बहुत ही अच्छी एनर्जी है, ये फोर्थ मेजर अरकाना है जो आया है। तो हमने चार मेजर अरकानाज ऑलरेडी आपकी रीडिंग में देख लिए हैं टॉरस, मतलब कि ये मंथ जुलाई का काफ़ी सिग्निफिकेंट रहने वाला है आपके लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून चेंज इन डेस्टिनी बताता है, पॉजिटिव चेंज इन डेस्टिनी बताता है, तो आपकी डेस्टिनी आपको किसी डायरेक्शन पे लेके जा रही है। बट देन एक और चीज़ हो रही है टू ऑफ पेंटिकल से कि आप काफ़ी सारी चीज़ों में जगल करते हुए दिख रहे हो जुलाई में, तो बहुत सारी अलग अलग टॉपिक्स पे आप फोकस करोगे या फिर लाइफ के बहुत ही अलग अलग एस्पेक्ट्स पे आप फोकस करोगे कि मुझे
अपनी अपने करियर को भी ठीक करना, अपनी हेल्थ को भी ठीक करना है, घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये है वो है, मतलब टू ऑफ पेंटिकल बहुत सारी चीज़ों में जगलिंग करना बताता है। और इसका अगर मैं एक्चुअली मीनिंग आपको समझाने की कोशिश करूं तो जैसे कि घर पे कोई शादी है या फिर घर पे कोई इवेंट है और घर के लोग कैसे जुट जाते हैं बहुत सारे काम करने में, ये हैंडल करना है, वो ऑर्गेनाइज करना है, तो बेसिकली लाइफ में आप ऐसा करते हुए दिख रहे हो कि यू आर फोकसिंग ऑन मल्टीपल थिंग्स। और काफ़ी ये थोड़ा सा हार्ड वर्किंग महीना भी दिख रहा है बिकॉज एट ऑफ पेंटिकल था और टू ऑफ पेंटिकल था, बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड मंथ भी दिख रहा है। कुछ कुछ मंथ होते हैं जो ऐसे ही निकल जाते हैं, रेगुलर हम काम करते रहते हैं, रेगुलर जॉब करते रहते हैं और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाते हैं, बट ये महीना आपका काफ़ी ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड दिख रहा है जहाँ पे आप बहुत सारे एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। उसके बाद में टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और द चैरिट की एनर्जी। ओके, मुझे चाहिए कि टू ऑफ सॉर्ड्स के साथ में एक और कौन सा कार्ड जो आना चाहता है, जो कि ओके यूनिवर्स प्लीज शो अस क्लियरली, प्लीज शो अस क्लियरली। ओके ओके दिस वन, दिस वन। ओके, थ्री ऑफ कप्स है और सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पास में दो ऑप्शंस दिख रहे हैं किसी चीज़ में, और दो ऑप्शंस हैं आपके पास, उन दो ऑप्शंस में से आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, इसीलिए मैंने आपका दूसरा कार्ड निकाला था कि सॉर्ड के इस साइड क्या है और सॉर्ड के इस साइड क्या है। तो आपको बेसिकली कोई डिसीजन लेना है और आपके सामने दो रास्ते हैं, ठीक है। अब जो थ्री ऑफ कप्स है वो बताता है ओल्ड एसोसिएशंस, ओके, कि आप पुरानी चीज़ों में हों, पुराने लोगों के साथ में हों, पुराने जॉब में हों, एसोसिएशन जो आपके पहले से चले आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आपके पास में लाइफ में दो ऑप्शन हैं कि एसोसिएशंस जो पहले से चले आ रहे हैं आप उसमें रहें या फिर लाइफ में आगे बढ़ें। तो ये दो ऑप्शंस आपके सामने रहेंगे और इन दोनों ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन चूज़ करना पड़ सकता है लाइफ के किसी एस्पेक्ट में। बहुत ही सिंपल है, एग्जांपल देके समझाती हूँ। एग्जांपल एक मेटाफोर है आपके लिए, आप हो सकता है कि आपकी सिचुएशन टोटली डिफरेंट हो, बट मैं आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ। ओल्ड एसोसिएशंस मतलब क्या है, मतलब कि एक ऑप्शन, जैसे फॉर से कि आप किसी ऑफिस में जॉब करते हो तो आपके पास एक ऑप्शन है कि सेम ओल्ड एसोसिएशंस में आप रहो, उन्हीं लोगों के साथ काम करो, उसी कंपनी में काम करो, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उन लोगों से बहुत ही ज़्यादा आगे निकल जाओ। तो ऐसा पाथ चूज़ करो जो उनसे अलग है, उनसे डिफरेंट है। ये कहीं मूव करने का पाथ है। चैरिट मतलब क्या है, आप जहाँ पर हैं वहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेसफुली आगे बढ़ रहे हैं, आपने ऐसा रास्ता चूज़ किया है कि आपकी लाइफ आगे बढ़े। और थ्री ऑफ कप्स क्या है, आप सेम एनवायरनमेंट में हो, तो लाइफ के किसी एस्पेक्ट में आपको ऐसे कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है जहाँ पे आपको चूज़ करना पड़े कि मैं इस चीज़ से आगे बढ़ूँ या फिर इसी चीज़ में रहूँ। और कोई भी ऑप्शन सही या गलत नहीं दिख रहा है, मतलब कि दोनों ऑप्शंस मुझे अच्छे दिख रहे हैं। बस ये है कि अगर आप लाइफ में ज़्यादा ग्रो करना चाहते हो तो आपको कुछ ऐसा डिसीजन लेना चाहिए, मूवमेंट का डिसीज़न लेना चाहिए, आगे बढ़ने का डिसीज़न लेना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि जो मेरी लाइफ है उससे और ज़्यादा बेहतर मुझे लाइफ क्रिएट करनी है, मुझे और जैसे एक और एग्जांपल बताती हूँ क्योंकि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। जैसे एक चीज़ ये है कि हम जो हमारा इतने सालों से फ्रेंड सर्कल चला आ रहा है, हम उसी फ्रेंड सर्कल में रहें या फिर कुछ नए कॉन्टैक्ट्स बनाएं जो कि हमें लाइफ में ग्रो करने के लिए हेल्प करें, थोड़ा कंफर्ट जोन से निकलें और ज़्यादा पहचान बनाएं अपनी इस दुनिया में, कॉन्टैक्ट्स बनाएं, नए लोगों से मिलें या फिर सिर्फ उन्हीं दो लोगों से मिलते रहें जो पहले से हमारे साथ में हैं। और सो यस, आप में से कुछ लोगों के लिए लिटरली आपकी लव लाइफ में भी हो सकता है जहाँ पे आप ये सोच रहे हो कि रिकंसिलेशन करूँ या आगे बढ़ जाऊँ, तो ये भी हो सकता है, बट मैंने आपको सारे पॉसिबल एग्जांपल्स देके समझा दिया है टॉरस। उसके बाद में नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है और सिक्स ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। एक जो आपको चीज़ बहुत ही ज़्यादा डिलाइट करेगी आपकी लाइफ में, खुश करेगी आपको, क्योंकि नाइन ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट है, कोई आपकी विश पूरी हो रही है,
आपको इमोशनली बेटर महसूस हो रहा है, स्पेशली पिछले महीने जैसा भी आपने फील किया है, जुलाई के मंथ में आप बेटर महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ को लेके, आप सेटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ को लेके, आप खुश भी दिख रहे हैं अपनी लाइफ को लेके, और ये खुशी ये सेटिस्फैक्शन आपको मिल रहा है किसी के लिए कुछ करने से या फिर किसी को कुछ देने से। जैसे आप अपनी फैमिली का ध्यान रख पा रहे हो, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहे हो और ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी दे रही है, या तो ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि कोई पर्सन आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको हेल्प कर रहा है और ये चीज़ आपको खुशी दे रही है। कुछ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है यहाँ पे सिक्स ऑफ पेंटिकल से, जिसको लेके आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हो कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ये पर्सन मेरी लाइफ में है जिसको मैं सपोर्ट कर रही हूँ, या फिर जो मुझे सपोर्ट कर रहा है, या फिर दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, यू नो। तो ये एक एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है जिसको लेके आप खुश हैं लाइफ में, अच्छा फील कर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल है और किंग ऑफ सॉर्ट्स है। टेन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सॉर्ट्स, आप अगर लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंट होना चाहते हैं, या फिर इफ़ यू आर समवन जो लाइफ में अच्छे पैसे कमाना चाहता है, करियर में अच्छा लेवल पे जाना चाहता है, करियर में स्टेबिलिटी चाहता है, समहाउ करियर की और पैसों की स्टेबिलिटी आपके लिए लिखी हुई है, टॉरस यहाँ पे है, आपके चार्ट्स में है, ऐसा बोल सकते हैं, आपकी एनर्जी फील्ड में अबंडेंस की एनर्जी काफ़ी है, मतलब पैसों की स्टेबिलिटी, नो मैटर अभी आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, इस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको किंग ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी को एम्बॉडी करना पड़ेगा अगर आप नहीं हो तो इस लेवल पे। तो इफ़ यू आर समवन जो कि करियर में कोई अपॉर्चुनिटी को सीक कर रहा है, पैसे कमाना चाहता है और सेटल होना चाहता है पैसों के मामले में, लाइफ में अबंडेंट होना चाहता है, आपको किंग ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी को एम्बॉडी करना पड़ेगा। किंग ऑफ सॉर्ट्स कौन इंसान होता है, किंग ऑफ सॉर्ट्स की और आप में से कई सारे लोग कर भी रहे हैं इसीलिए प्रेडिक्शन में आया है, बट मैं कैरेक्टरिस्टिक किंग ऑफ सॉर्ट्स के बताती हूँ इस पर्टिकुलर सिनारियो में, जिससे कि आपको समझ में आए कि कौन सी एनर्जी को आपको एम्बॉडी करना है। किंग ऑफ सॉर्ट्स इज समवन हु इज़ वेरी इंटेलेक्चुअल, जो अपने सारे डिसीजंस रैशनल लेता है अपने दिमाग से सोच के, ना कि इमोशंस में बह के। जैसे कि आप शेयर मार्केट कर रहे हो, शेयर मार्केट में जितने भी लोग शेयर मार्केट में होंगे, कई बार हम शेयर मार्केट में जो बाय करते हैं सेल करते हैं, कई बार इमोशंस में आके कर देते हैं, ओ माय गॉड ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। और एक दूसरा तरीका क्या होता है कि हम चार्ट्स को स्टडी करते हैं, कंपनीज को स्टडी करते हैं, मार्केट को स्टडी करते हैं, और हमारा पूरा जो फोकस होता है वो चार्ट्स पे और एनालिसिस पे डिपेंड करता है, यू नो, कि किस टाइम हम खरीद रहे हैं और किस टाइम पे हम बेच रहे हैं। तो ऐसे ही लाइफ में फॉर से कि आप कहीं पे जॉब करते हो, तो क्या आप इमोशनली ड्रिवन हो कि मेरे बॉस ने कल मुझे ऐसा बोला था, मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई हूँ, मुझे इस चीज़ का बहुत बुरा लग रहा है, मैं अपने बॉस को चार बात सुना दूँगी, या फिर आप प्रैक्टिकल हो कि ओके आई डोंट केयर कि मेरे बॉस ने क्या बोला था, मुझे जो काम करना है मैं करूँगी, मैं इस इंसान को थोड़ा इग्नोर करूँगी और अगर मुझे बातें भी करनी है तो मैं प्रोफेशनल लैंग्वेज में करूँगी। फॉर से आप कोई बिजनेस करते हो, तो क्या आप अपने क्लाइंट्स को पूरा इमोशनली हैंडल कर रहे हो, या फिर आप अपना इंटेलेक्ट यूज़ करके हैंडल कर रहे हो, प्रैक्टिकलिटी यूज़ करके हैंडल कर रहे हो। तो जो अबंडेंस का मार्ग है आपके लिए, ऐसा हमेशा नहीं होता है कि हमेशा आपको प्रैक्टिकल रहना पड़े पैसे कमाने के लिए, बट फॉर सम रीज़न जुलाई में जो आप फाइनेंशियल या फिर करियर से रिलेटेड चीज़ें कर रहे हो, उसमें आपकी प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी आपकी आपके लिए। ये ज़िंदगी भर के लिए नहीं है कि हमेशा आपको प्रैक्टिकल ही रहना है, बट जुलाई में आपको फॉर सम रीज़न प्रैक्टिकल रहना है। दूसरा किंग ऑफ सॉर्ट्स की क्वालिटी ये होती है कि ये कॉन्स्टेंटली लर्निंग के फेज़ में होता है। किंग ये बहुत ही ज़्यादा समझदार है, इसको सब कुछ आता है, बट स्टिल वो अपनी स्किल्स पे कॉन्स्टेंटली काम करता रहता है। नो मैटर मैं मुझे कितनी भी अच्छी टैरो रीडिंग आती है, बट मैं और ज़्यादा उसमें डीप में जाने की कोशिश करूँ, अगर मैं और ज़्यादा अलग अलग आइडियाज़ लेके आने की कोशिश करूँ, तो वो मेरी कॉन्स्टेंट लर्निंग है जिसका मैं यूज़ करके टैरो रीडिंग कर रही हूँ। तो ऐसे ही
कांस्टेंट लर्निंग का जो एक महत्व है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी आपके करियर के लिए. मे बी आपको सब कुछ आता है, आपका रिज्यूमे एकदम परफेक्ट है, बट स्टिल आप सोचें कि क्या आप नया सीख सकते हैं जिससे कि आपको और बेटर जॉब मिले. कांस्टेंट लर्निंग, और लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती. कभी कभी आप टीचर होते हो, कभी कभी आप स्टूडेंट होते हो लाइफ के सारे फेज में. ओके तो लर्निंग में कोई बुराई नहीं है. तो ये चीज़ है, और आप में से कुछ लोग ये ऑलरेडी करते हुए दिख रहे हो, इसीलिए आपकी रीडिंग में आया है. आई एम श्योर यहाँ पे द एम्परर की एनर्जी है और यहाँ पे द लवर्स की एनर्जी है. यहाँ पे आपका जो जुलाई मिड में या फिर जुलाई एंड में आपका जो कमिटमेंट है किसी चीज़ को लेके, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है, और इस चीज़ को लेके आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी फील कर रहे हो. मतलब कि आप जो भी लाइफ में चीज़ अचीव करना चाहते हो, चाहे वो पर्सनल ग्रोथ हो चाहे वो प्रोफेशनल ग्रोथ हो, आपकी पकड़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है उस पर्टिकुलर टॉपिक पे. आप एम्परर हो उस टॉपिक के, उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के एम्परर आप दिख रहे हो. और एम्परर सबसे हाईएस्ट लेवल का आर्कटाइप होता है. सारे किंग्स क्वींस के सबके ऊपर एम्परर एम्परेस आते हैं. तो एम्परर मतलब कि आप वो पोजीशन को होल्ड कर रहे हो, उस पावर को होल्ड कर रहे हो, और ये पोजीशन और पावर आपके कमिटमेंट से आ रहा है. अगर आप लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अचीव करना चाहते हैं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको उस चीज़ से करना पड़ेगा. लिटरली आपको अपने काम के लिए या उस चीज़ के लिए थोड़ा सा ऑब्सेस होना पड़ेगा. और जब आप ऑब्सेस होंगे और जब आप कमिटेड होंगे, जब आप डिसिप्लिन होंगे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फील होगा, और आपको लगेगा कि बॉल जो है उस चीज़ की वो आपके कोर्ट में है, मतलब कि पावर आपके हाथ में है. यहाँ पे अगेन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पावर आपका दिख रहा है, कॉन्फिडेंस दिख रहा है और प्रैक्टिकलिटी दिख रही है. आप किसी चीज़ को मास्टर कर रहे हो कि ये काम कैसे करना है, उसको मास्टर कर रहे हो. लोगों को कैसे हैंडल करना है उसको मास्टर कर रहे हो. खुद को नई ऊंचाइयों तक कैसे लेके जाना है उसको मास्टर कर रहे हो. तो एम्परर बहुत ही एक बड़ी पोजीशन है, बट वो पोजीशन आ रही है आपके कमिटमेंट और डिसिप्लिन से. तो आप इतने बड़े इंसान कैसे बनोगे? एक एम्परर मैच्योर होता है, अबंडेंट होता है, हर एक स्टेप अपना सोच समझ के लेता है. एक लीडर होता है जिसके अंडर बहुत सारे लोग होते हैं. इस लेवल पे पहुंचने के लिए आपको अपने क्राफ्ट से, आपको अपने काम से बहुत ही सॉलिड कमिटमेंट करना पड़ेगा और डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा. तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों तक लेके जाएगी. साइड नोट है, सबके लिए नहीं है, वो ये है कि जितने भी लोग अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, यहाँ पे अगेन आपका इमोशन आपका साथ नहीं देगा जुलाई में, बट आपका दिमाग और आपका इंटेलेक्ट और आपकी मैच्योरिटी आपकी लव लाइफ में आपको हेल्प करेगी या रिलेशनशिप में आपकी हेल्प करेगी. ओके तो कोशिश करिए कि मैच्योरिटी के साथ में अपनी लव लाइफ को हैंडल करें इफ़ यू आर समवन हु इज़ कंसर्न्ड अबाउट देयर लव लाइफ. दूसरी डेक लेनी है मुझे कि थोड़ा सा दूसरा पर्सपेक्टिव हमें इन सब चीज़ों का मिल सके. ओके सो यूनिवर्स प्लीज शो अस वेरी क्लियरली कि और क्या चीज़ें हैं जो टॉरस की लाइफ में आ रही है, या फिर और क्या गाइडेंस है जो टॉरस को चाहिए अभी. ओह सी द एम्परर दोबारा से आया है. ये जो द एम्परर की एनर्जी, ओके ओके ये जो द एम्परर की एनर्जी है, ये एम्परर की एनर्जी है, और ये जो किंग ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है. यस एम्परर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, मैच्योर होता है, इंटेलेक्चुअल होता है, कॉन्फिडेंट होता है, एक लीडर होता है, अबंडेंट होता है, सब कुछ एम्परर है ये. इसके अंडर सारे किंग्स हैं, क्वींस हैं, पूरा शहर है, गांव है, प्रजा है. तो यहाँ पे और उसके बाद में किंग ऑफ सॉर्ट्स आया था. तीनों कार्ड्स में अगर हम कॉमन पर्सपेक्टिव तीनों कार्ड्स का देखें तो आपकी मैच्योरिटी, आपका पावर, आपका कॉन्फिडेंस, आपका इंटेलेक्ट है. जितना आप इन चीज़ों को एम्बॉडी करेंगे जुलाई में, उतना ज़्यादा आप लाइफ में सक्सेसफुल होंगे या फिर खुश रहेंगे. एंड डू रिमेंबर कि ये बस प्रोफेशनल लाइफ नहीं है, ये
पर्सनल लाइफ भी है और वियर्ड है ये थोड़ा सा, बट यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है, मैच्योरिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है। एक और चीज़ कि आपकी एम्परर एनर्जी को कोई चीज़ अगर कमज़ोर कर सकती है तो वो है ऐसी जगह पे रहना जहाँ पे लोग आपको वैल्यू नहीं करते हैं, ऐसी जगह पे रहना जहाँ पे आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ऐसी जगह पे रहना जहाँ पे लोग आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। मैं बिल्कुल आपको नहीं बोल रही कि लोगों को छोड़ दो, बट जुलाई के मंथ में थोड़ा सा आपको उन लोगों से डिटैच होना है, बिकॉज डू रिमेंबर इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिकलिटी दिस मंथ। थोड़ा सा उन लोगों से डिटैच होना है जो हमें हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, वैल्यू नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा उस चीज़ से डिटैच होना है जहाँ पे हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर कोई चीज़ कम कर सकती है, या फिर अगर आपकी पावर कोई चीज़ कम कर सकती है, आपका अबंडेंस कोई चीज़ अगर कम कर सकता है, तो वो है ऐसी जगह पे रहना जहाँ पे कॉन्स्टेंटली हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। अच्छा नहीं लग रहा मुझे ये, जो भी कुछ इस रिलेशनशिप में इतने टाइम्स हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि ये पर्सन मुझे कैसे ट्रीट कर रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैंने तो इतना एफर्ट लगा दिए बट यहाँ पे ये पर्सन एफर्ट नहीं लगा रहा है। कॉन्स्टेंटली ऐसी सिचुएशन में रहने से आपका कॉन्फिडेंस कम होगा और आपका फोकस कम होगा। तो आई एम नॉट टेलिंग यू कि किसी को छोड़ दो अपनी लाइफ से या अबैंडन कर दो, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि थोड़ा सा एक डिस्टेंस, नहीं तो ये आपकी पावर को, ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ है जो आपकी पावर को कम कर रही है। मतलब कि इसको मैं एक और चीज़ से समझाना चाहूँगी, एक और एग्जांपल से, कि फॉर से आप कोई मूवी देख रहे हो, उस मूवी में कोई लीड रोल है जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इंटेलेक्चुअल है, उसके सारे मूव्स बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होते हैं, मेन कैरेक्टर है वो उस मूवी का, हीरो है या हीरोइन है उस मूवी की, बट देन उसकी एक कोई कमज़ोरी होती है, एक वीकनेस उसकी होती है, जो विलन उस वीकनेस को पकड़ लेता है और वो जो हीरो है वो कमज़ोर हो जाता है। गेटिंग मी? तो ऐसी ही आपकी कोई वीकनेस है जो आपको कमज़ोर कर देती है, जो आपको फुल अपने पोटेंशियल पे आने नहीं देती है, या फिर अपने फुल मेन कैरेक्टर एनर्जी में आने नहीं देती है, तो उससे थोड़ा सा एक डिस्टेंस बनाइए कि कोई आप समझ गए ना, राइट? What else is going on? We have the sun and the lovers. Lovers भी दोबारा से आया है. See, यहाँ पे the lovers general reading में आना मतलब कि discipline में रहना और commitment में रहना, कि अगर मैंने decide कर लिया है कि मुझे अपना YouTube channel खोलना है, तो मैं आपको easiest example देती हूँ. Please ये मत समझना कि मैं एक ही एक example देती हूँ, क्योंकि अगर example सोचना शुरू करूँगी तो बहुत समय हो जाएगा. तो यहाँ पे general reading में जब जब the lovers आता है तो वो commitment आपका बताता है, आपका decision making, आपका commitment और आपका discipline is your everything. आपका discipline, किसी चीज़ को लेके कमिटमेंट और डिसीजन मेकिंग. मैंने डिसाइड कर लिया है चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपना यूट्यूब चैनल शुरू करना है. अगर मेरा एक वीडियो अच्छा नहीं बना, दो नहीं अच्छा बना, तीन अच्छा नहीं बना, तो मैं और सीखूंगी कि जो बाकी लोग चैनल चला रहे, जिनका चैनल चल रहा है, वो लोग कैसे करते हैं इस चीज़ को, उन लोगों ने कैसे कर लिया, हाउ दे आर सक्सेसफुल. क्या मुझे और बेहतर बनने की ज़रूरत है? क्या मुझे अपने क्राफ्ट को और बेहतर करने की ज़रूरत है? मैं गिरूँ पढ़ूँ, मैं कितनी भी बार फेल हो जाऊँ, मेरे वीडियोस पे ज़ीरो व्यूज़ आए, मैं और उसे बेहतर बनाने की कोशिश करूँगी. ये मेरा कमिटमेंट है और मेरा डिसिप्लिन है. अगेन मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, इवन तो मैंने ऐसा किया नहीं था अपने चैनल पर, बिकॉज खैर मेरी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अलग है, बट कुछ भी काम लाइफ में करना है तो इस लेवल का कमिटमेंट होना चाहिए. और कॉन्स्टेंट लर्निंग भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, कॉन्स्टेंट लर्निंग भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. तो सीखते चलो, अगर गिर रहे हो, फेल हो रहे हो किसी चीज़ में, चाहे वो रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ ही क्यों ना हो, चाहे खुद की हेल्थ ही क्यों ना हो, सीखते चलो कि कैसे इसको इम्प्रूव करना है. तो लवर्स के साथ में सन आया है, पहले लवर्स पहले भी आया था, राइट? उसके साथ में द एम्परर आया था. आप कॉम्बिनेशन देख रहे हो आपके कार्ड्स के कैसे हैं. सन क्या बताता है? पॉजिटिविटी और अबंडेंस. और हमें किस जगह से पॉजिटिविटी और अबंडेंस मिल रहा है? अगेन हमारे कमिटमेंट से, डिसिप्लिन से.
दूसरी फिर से साइड नोट, क्योंकि द लवर्स आया है और ओ माय गॉड जब द लवर्स आता है तो जितने भी लव बर्ड्स हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं. तो यस, अगर आप एक लव बर्ड हैं एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू योर लव लाइफ, तो यहाँ पे क्योंकि द लवर्स के साथ में सन है, कुछ अगेन कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती हैं आपकी लव लाइफ में जो कि एक्सट्रीमली पॉजिटिव होंगी. उसके बाद व्हील ऑफ फॉर्चून है, इसीलिए मैं दूसरी डेक लेती हूँ, क्योंकि जब भी हम दूसरी डेक लेते हैं तो दूसरी डेक हमेशा हमें कंफर्म करती है कि जिस डायरेक्शन में हम थे हम राइट डायरेक्शन में थे, क्योंकि ये आपका तीसरा कार्ड है जो कि रिपीट हुआ है और ये अगेन इम्पॉर्टेंट कार्ड्स आपके रिपीट हो रहे हैं, मेजर अरकानाज आपके रिपीट हो रहे हैं. व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टिनी इज एट प्ले, क्वीन ऑफ कप्स. डेस्टिनी आपकी लाइफ में कुछ बहुत ही अमेजिंग सा लेके आ रही है जो आपकी किसी विश से रिलेटेड है, बट उसके लिए आपका एक्शन लेना भी थोड़ा सा आई थिंक ज़रूरी है. तो डेस्टिनी इज़ एट प्ले, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ऐसी होंगी जो कि आपको आपकी डेस्टिनी तक ले जाने के लिए होंगी. वापस से आपके कार्ड्स रिपीट हुए हैं, हार्ड वर्क से आपको घबराना नहीं है, मेहनत करनी पड़ रही है उससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है, मेहनत से घबराना नहीं है कि अरे लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत मेहनत है लाइफ सुधारने में, मैनिफेस्टेशन में बहुत मेहनत है, सक्सेसफुल होने में बहुत ही मेहनत है, आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा मेहनत है, ग्रोथ में बहुत ज़्यादा मेहनत है. यस, मेहनत है और मेहनत आपको करनी है. सिक्स ऑफ पेंटिकल था यहाँ पे, आपके लिए एट ऑफ पेंटिकल भी आया था, मुझे नहीं पता एट ऑफ पेंटिकल कहाँ है आपका. या ये है एट ऑफ पेंटिकल, ये है एट ऑफ पेंटिकल, आपके दोनों कार्ड्स रिपीट हुए हैं. अगेन यस, आपको मेहनत करनी पड़ेगी. कभी कभी ना आप मेहनत से थोड़ा सा बोझ, आपको कितनी मेहनत है लाइफ में, लोगों की लाइफ में सब आसानी से हो जाता है, मुझे इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है, दिस एंड दैट. यू डोंट इवन नो कि लोगों की लाइफ में जो आया है उन्होंने कितनी मेहनत की है. सो ये सब बोलने की बात है, बट यस, कभी कभी आपके मैनिफेस्टेशन से चीज़ें आ जाती हैं और कभी कभी आपको एक्शन लेना पड़ता है, और अगर दोनों को कंबाइन कर दोगे, आपकी प्रेयर्स, मेडिटेशन, आपका अफर्मेशन, उसको एक्शन के साथ अगर आपने कंबाइन कर दिया तो चीज़ें आपको इतनी मुश्किल नहीं लगेगी. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है, आधे रास्ते भी आप आ गए हो बट यहाँ पे बहुत मेहनत है यार, नहीं हो पा रहा है. ओके, तो इस माइंडसेट से निकलना है. अब इस माइंडसेट से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, अपने प्रोकेस्टिनेशन और लेजीनेस को ख़त्म करना पड़ेगा, उस स्टेट ऑफ माइंड में आना पड़ेगा. मेडिटेशन करिए, एक्सरसाइज करिए, आपको कोई भी मेहनत भारी नहीं लगेगी. टाइम मैनेजमेंट अपना प्रॉपर करिए, फ़ोन से एडिक्शन है, किसी और चीज़ से एडिक्शन है तो उसको छोड़िए, तो आप ये मेहनत कर पाओगे. देखो मैं ये नहीं बोल रही कि ज़िंदगी भर हार्डवर्क करना है, बट जुलाई एक महीना है जहाँ पे एक्शन लेना और मेहनत करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, अपने इंटेलेक्ट में रहना, कॉन्स्टेंटली चीज़ें सीखना, ये सब चीज़ें आपको बहुत ही आगे लेके जाएंगी. तो प्रिडिक्शन क्या है, प्रिडिक्शन जो मैंने बताया वो तो है ही है, बट मेहनत है जुलाई में, एंड मैं चाहती हूँ कि आप मेहनत करो, क्योंकि मेहनत आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी. लास्ट दो कार्ड्स लेंगे, नाइट ऑफ वांड्स और फोर ऑफ कप्स. आप किसी के साथ में दिख रहे हो, आप किसी को कुछ ऑफ़र कर रहे थे, उस पर्सन ने आपका ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया है, या फिर कुछ तो डिस्कॉर्ड आया है यहाँ पे, उसके बाद आप अपना डायरेक्शन चेंज करते हुए दिख रहे हो. तो आप बोलोगे ओके, मुझे इस डायरेक्शन में अब मुझे इस पर्सन पे मेहनत नहीं करनी है, इसका ध्यान कहीं और है. सिंपल, यू विल बी शोन द वे. रास्ता नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज है कि यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाएंगे. अगर आपको रास्ता नहीं दिख रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है, तो टेक वन स्टेप एट ए टाइम, उसके बाद रास्ता आपको दिखने लग जाएगा. फॉर से अगर आपको अभी नहीं पता कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में किस चीज़ पे मेहनत करो, तो अपनी पर्सनल लाइफ से शुरू करो. डिसिप्लिन में कैसे रहना है और कैसे सुबह उठना है, मतलब यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाते जाएंगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे. जैसे लाइफ में जब बहुत ज़्यादा फॉग होता है, कोहरा होता है, और हमें कुछ भी रास्ता दिखाई नहीं देता है, बट उस कोहरे में भी जब आप एक कदम लेते हो तो एटलीस्ट आपको दूसरा कदम दिखाई दे जाता है, दूसरा लेते हो तो तीसरा दिखाई दे जाता है. तो पहले कदम से पांचवा कदम नहीं दिख रहा था, बट पहले कदम से दूसरा कदम लिया, दूसरे कदम से तीसरा कदम लिया, तीसरे कदम से चौथा लिया, तो वो दिख रहा है ऐसे, यू नो, धीरे धीरे करके.
तो अगर आपको बहुत ही बड़ी पिक्चर लाइफ की नहीं दिख रही है तो वो करिए जो अभी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बाकी यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाते जाएंगे। ओके उसके बाद है समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और एंड ऑफ अ सिचुएशन। कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में एंड हो रही है या फिर कोई पर्सन है जिससे आप थोड़ा सा डिटैच हो रहे हैं जुलाई के मंथ में, और पहले भी ये डिटैचमेंट भी इंपॉर्टेंट है अगर किसी पर्सन से हो रहा है। बट एक और चीज़ है कि कोई सिचुएशन भी ख़त्म हो रही है, जो कि हमने यहाँ पे वर्ल्ड से भी देखा था कि एक नई साइकिल आपकी लाइफ में शुरू हो रही है। तो यस मेक सेंस। बर्थ और अ कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एंटरप्राइज। तो यहाँ पे आप में से जो लोग भी पेरेंट्स बनना चाहते हैं, मैरिड हैं, ये जुलाई का मंथ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उस लैंग्वेज में फर्टाइल दिख रहा है। दूसरा, अगर आप कोई अपना काम शुरू करना चाहते हैं तो भी जुलाई का मंथ बहुत ही अच्छा है, चाहे वो नई पढ़ाई हो, बिजनेस हो या फिर साइड हसल हो। गुड न्यूज़, तो कुछ गुड न्यूज़ मिलेगी आपको जुलाई के मंथ में, जो सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा टॉरस। उसके बाद है पे अटेंशन टू योर वर्क। यस, काम पे ध्यान देना है, सिंपल, काम पे आपका फोकस होना चाहिए, जो कि हम मल्टीपल टाइम डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट एल्स वी हैव, एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड। कोई फ्रेंड है जो बहुत ही अच्छी एडवाइस देगा आपको, इस पर्सन की एडवाइस को माने। डार्क वुमन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर। तो साउथ एशियन कंट्रीज़ में सारे जो वुमन हैं उनके बाल ब्लैक ही होते हैं, तो यहाँ पे कोई आपकी लाइफ में फैमिनिन एनर्जी दिख रही है, जिनके या तो हेयर ब्लैक हो सकते हैं या फिर कॉम्प्लेक्शन डार्क हो सकता है, और ये फैमिनिन एनर्जी आपकी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट दिख रही है। न्यू जॉब और करियर, आप में से कुछ लोग किसी नए जॉब में या फिर नए करियर में जाते हुए दिख रहे हैं, कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको। उसके बाद है सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। अगर लाइफ में कुछ परेशान महसूस कर रहे हो या फिर किसी चीज़ में अटका महसूस कर रहे हो या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो अगेन लर्निंग की इम्पॉर्टेंस है यहाँ पे। इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करिए उस टॉपिक के बारे में, जैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ पे अप्लाई करूँ, तो ऑनलाइन सर्च करिए कि कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको अपने रिज्यूमे कैसे बनाने। तो इट्स ऑल अबाउट कि इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है यू आर हाईली थॉट ऑफ। कोई पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा है, आपके बारे में बहुत अच्छी बातें सोच रहा है और बहुत ही अच्छी बातें कर रहा है। उसके बाद है अ पाथ विथ मनी इज़ वेटिंग टू फाइंड यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। सो इस मैसेज में है कि अ पाथ विथ मनी इज़ वेटिंग फॉर यू, मतलब कोई ऐसा पाथ है पैसे कमाने वाला जो कि आपका इंतज़ार कर रहा है कि कब आप उस पाथ को ढूंढेंगे। समझे टॉरस? इंक्रीज योर एफर्ट इफ यू वॉन्ट टू अचीव। ओके, अपने एफर्ट ज़्यादा लगाइए अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो। मतलब ऑलरेडी आप अगर मेहनत कर रहे हो तो थोड़ी सी और मेहनत करने की ज़रूरत है। ये उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो अपना 100% दे रहे हैं, बट आप में से कुछ लोग अगर आप बहुत ही दिन भर बैठ के ये सोचते हो कि अब तो लाइफ मुझे अपनी बदलनी है, अब तो मुझे लाइफ में कुछ अलग करना है, अब तो मुझे ये सैडनेस से निकलना है, डिप्रेशन से निकलना है, मुझे मूव ऑन करना है, तो आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे थोड़े उसके लिए, ठीक है? अगर आप इफ़ यू आर समवन जो अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो एफर्ट लगेंगे उसमें। ओके, हार्ट एक ओवर व्हाट यू नो लॉन्गर हैव। तो ये कार्ड बताते हैं कि कुछ लूज किया है आपने लाइफ में और उस चीज़ की बार बार याद आती है आपको और आपको बुरा लगता है, तो थोड़ा सा आप रेमिनिस करते हुए दिख रहे हो कि आपका ध्यान बार बार पास्ट में जा रहा हो, आप सोच रहे हो कि ये लूज कर दिया मैंने, वो खो दिया मैंने, तो कोई मतलब नहीं है ना वैसे, बट स्टिल विश बोन, अ विश इज़ ग्रांटेड। तो कोई छोटी या बड़ी आपकी विश है जो पूरे होते हुए दिख रही है। दो कार्ड और हमें लेने हैं। ओके, तो इंट्यूशन ने बोला है दो कार्ड। अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, प्लानिंग करना इम्पॉर्टेंट है, गोल्स बनाना इम्पॉर्टेंट है। एटलीस्ट एक महीने के गोल्स बनाएं कि जुलाई में मुझे क्या अचीव करना है, जुलाई में मेरा रूटीन कैसा होगा, मुझे किस चीज़ पर मेहनत करनी है। तो अगर एमलेसली लाइफ जा रही है तो छोटे छोटे से गोल्स बनाएं के, और अगर कुछ बड़ा गोल अभी नहीं समझ में आ रहा है तो गिव इट सम टाइम, छोटे गोल्स बनाइए कि मुझे अपने रूटीन में ये चेंजेस लाने हैं अपनी मेंटल हेल्थ के लिए या फिजिकल हेल्थ के लिए। जितनी आप गोल्स बनाएंगे, पेपर पे लिखेंगे, डायरी में अपने लिखेंगे कि मुझे ये अचीव करना है, उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू।
तो जितने भी लोग कुछ ट्राई नहीं कर रहे हैं अभी, अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी आपका इंतज़ार कर रही है, अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढना शुरू कर दीजिए। आप कुछ सजेशंस लेते हैं यूनिवर्स के और कुछ गाइडेंस लेते हैं आपके लिए। टॉरस तो प्योर गाइडेंस में आते हैं हम, बट गाइडेंस में भी कभी कभी प्रिडिक्शन आ जाते हैं। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं यूनिवर्स के और मेरे इंट्यूशन में को जो मैसेज देगा वो आपको क्लियरली बता पाऊँ, और कार्ड्स जो मैसेज देंगे। ओके, दिस कार्ड वॉन्ट्स टू कम। ओके, आप में से कुछ लोग किसी सीरियस कमिटमेंट में अगेन जाते हुए दिख रहे हैं, तो ये रिलेशनशिप भी हो सकता है या फिर कोई जॉब और बिजनेस भी हो सकता है जहाँ पे आप सीरियस कमिटमेंट में जाते हुए दिख रहे हैं। तो यूनिवर्स हमें बोल रहे हैं कि ओके, इस चीज़ के पे फोकस करिए। यू नो, नाइन ऑफ समर्स विशेस कम ट्रू। आई थिंक ये तीसरी बार ऐसा कार्ड आया है जो कि हमें बता रहा है कि आपकी कोई विश पूरी हो रही है, क्योंकि पहले हम जनरल प्रिडिक्शन देख रहे थे उसमें भी आया था, टी लीफ में भी आया है, और ये आपकी गाइडेंस में भी आया है कि टेंशन मत लीजिए, जो चीज़ जो ड्रीम्स आप देख रहे हो, जो आपकी विशेज़ हैं, वो ज़रूर पूरी होगी और एक बहुत ही मैजिकल टाइम आपकी लाइफ में आएगा। ओके, अ ब्राइट फ्यूचर मैनिफेस्टेड थ्रू हार्डवर्क। और शायद पांचवी या छठी बार ये मैसेज आया है कि आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, जो कि मैनिफेस्ट हो रहा है आपके हार्डवर्क और क्रिएटिविटी से। ओके, तो हार्डवर्क आप कर रहे हो, आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे हो, तो आपका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट और ब्राइट दिख रहा है। यहाँ पे एक और मैसेज है कि अगर आपको चांस मिलता है किसी के साथ मिलके काम करने का, कोलैबोरेट करने का, किसी की हेल्प लेने का करियर में या पर्सनल लाइफ में, तो बिल्कुल लीजिए। यू नो, उसके बाद है इमीडिएट एक्शन, अ चैलेंज यू कैन सक्सेसफुली मैनेज। तो एक्शन लेना लाइफ में शुरू करिए, हो सकता है कि लाइफ में कोई चैलेंज है, बिकॉज यहाँ पे यूनिवर्स हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि लाइफ में कोई चैलेंज है जिसको आप बहुत ही सक्सेसफुली मैनेज कर सकते हो अगर आप एक्शन लो उसमें। तो ओके, तो कोई चैलेंज है अगर लाइफ में, कोई परेशानी है, तो आप कुछ ना कुछ एक्शन लेके उस चैलेंज को क्रॉस कर सकते हो। टेक स्टेप्स टू ओके, यहाँ पे यूनिवर्स का सजेशन है आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए जो फाइनेंशियली अभी सिक्योर नहीं है, कि आपका बहुत ज़्यादा फोकस आपके फाइनेंसेस को ठीक करने पे या करियर में एक नेक्स्ट अच्छे लेवल पे जाने पे होना चाहिए। ओके, टेन ऑफ ऑटम्स पहले भी आया था आपके लिए, और टेन ऑफ पेंटिकल, मैंने आपको ये बताया था ना कि अबंडेंस आपके कार्ड्स में है या चार्ट्स में है, ऐसा कुछ मैंने आपको बोला था, तो उसी कार्ड से मैंने बोला था, और ये कार्ड फिर से आया है। और यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं ऐसा कि इंश्योर करिए अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी सबसे पहले। तो अगर लाइफ में मल्टीपल चीज़ें फोकस करने के लिए, तो अपने करियर पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए। डू द राइट थिंग फॉर द राइट रीज़न। ओके, सही काम करिए, सही काम करिए, राइट काम करिए। कोई भी गलत काम नहीं करना है, इलीगल काम नहीं करना है, किसी को दुख पहुंचा के हमें कुछ भी हासिल नहीं करना है अपनी लाइफ में। तो सही चीज़ करिए सही रीजंस के लिए। ओ, द फूल आया है, द फूल आपका यहाँ पे भी आया था। सो यहाँ पे यूनिवर्स क्या बोल रहे हैं, एम्ब्रेस योर ट्रू पर्पस। अपने ट्रू पर्पस को एम्ब्रेस करिए लाइफ में। आपका ड्रीम्स क्या है, आपका पर्पस क्या है, और पर्पस ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपका स्पिरिचुअल हो। सी, लोग स्पिरिचुअलिटी को डे टू डे लाइफ से अलग कर देते हैं अक्सर, कि हम अगर स्पिरिचुअल हैं तो हमें टैरो रीडर बनना है या हीलर बनना है। अगर आप डिवाइन से कनेक्टेड हो और स्पिरिचुअल हो, तो स्पिरिचुअलिटी कोई अलग फील्ड नहीं होती है। स्पिरिचुअलिटी इज के नो मैटर आप क्या काम कर रहे हो, बट उसमें आप ट्रू रह के, यू नो, काइंडनेस से, कंपैशन से अपने उस अपने पर्पस को सॉल्व करो। अब आपका पर्पस ये क्यों ना हो कि मुझे बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है, या मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे आईआईटी निकालने है, ये भी स्पिरिचुअल हो सकता है अगर आप राइट माइंडसेट से कर रहे हो, यू नो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, सही काम कर रहे हो, सही रीजंस के लिए कर रहे हो। आपका कोई बिजनेस क्यों ना हो जहाँ पे आप कुछ बेचते हो, बट उसमें भी अगर आप कस्टमर को, यू नो, कस्टमर के साथ आप ट्रू हो, कस्टमर के साथ में आप ऑथेंटिक हो, और आप अच्छे से उनको हैंडल कर रहे हो, आप राइट प्रोडक्ट उनको दे रहे हो, आप प्रोडक्ट ऐसा बना रहे हो जिसमें आपको खुद को कॉन्फिडेंस है, तो ये सारी चीज़ें अपने आप स्पिरिचुअल हो जाती हैं। स्पिरिचुअलिटी कोई अलग फील्ड नहीं है, स्पिरिचुअलिटी एक लाइफ स्टाइल है, यू नो। सो यस, तो अपने ट्रू पर्पस में स्टैंड करिए, चाहे आपका पर्पस कुछ भी हो, आपका ड्रीम कुछ भी हो। बिगेन अ न्यू एडवेंचर,
बिगन अ न्यू एडवेंचर, तो एक नए एडवेंचर को लाइफ में स्टार्ट करिए एंड ट्रस्ट योर सेल्फ, अपने आप पे भरोसा रखिए, क्योंकि ये दोनों फूल के कार्ड, फूल का मतलब ही ये होता है लीप ऑफ फेथ लेना, कि हम कुछ काम कर रहे हैं, हमें नहीं पता आगे क्या होगा, बट हमने भगवान भरोसे उस चीज़ को शुरू किया। तो डिसीज़न आपको ही लेना है, सारी चीज़ों को ध्यान में रख के, सारे इफ्स एंड बट्स को ध्यान रख के, बट थोड़ा सा आपको भरोसा यूनिवर्स पे और अपने आप पे भी लेना रखना है। अब मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आई डोंट नो, मैंने कोई ऐसी रीडिंग की थी जिसमें मैं बार बार बोल रही थी कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। तो एनीवेज, लेट इट बी, मुझे वो कमेंट को याद भी नहीं करना है, बट डू रिमेंबर कि अपना खुद का दिमाग भी लगाना है। ये सारे आप टैरो रीडिंग्स देखते हो, उसके बाद अपने इंटेलेक्ट को, अपने पर्सनल इंट्यूशन को भी यूज़ नहीं करना है। ऐसा मत बोलिएगा कि मैम आपने बोला था कि यूनिवर्स पे भरोसा करके करो, तो मैं गई एक पहाड़ की चोटी पे और वहाँ से मैं कूद गई और मैंने सोचा कि यूनिवर्स फिजिकल फॉर्म में आके मुझे वहाँ पे बचा लेंगे। तो बी वेरी माइंडफुल कि आप इन सब इन्फॉर्मेशन को भी कैसे यूज़ कर रहे हो। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बट अगर आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बेवकूफ़ी लाइफ में करेंगे तो वो आपको नहीं करनी चाहिए। और ये आपको जब टैरो रीडिंग्स आती हैं तो ये मोस्टली कन्फर्मेशन के लिए आती हैं। फॉर से आप ऑलरेडी कुछ अपने दिमाग में करना चाहते थे, बट आप थोड़ा सा घबरा रहे थे, थोड़ा सा डर रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि वो पाथ सच सही है या नहीं है, बट आपको यहाँ पे फूल दिखा है, यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अपने ट्रू पर्पस को फॉलो करो, मतलब आपको यहाँ से कन्फर्मेशन मिल गया, राइट, कि हाँ मुझे अपने पर्पस को फॉलो करना चाहिए, मुझे अपने ड्रीम्स को चेस करना चाहिए। सो यस, अभी कुछ लास्ट कुछ और कार्ड्स लेंगे जो कि मुझे डेक बहुत ज़्यादा पसंद है, और लास्ट दो तीन कार्ड्स लेके और देखेंगे कि यूनिवर्स क्या मैसेजेस आपको दे रहे हैं। सो ओके, और जितने भी लोग वीडियो के इस पार्ट तक आए हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक हार्ट ड्रॉप कर दीजिए, जिससे कि मुझे समझ में आए कि आप लोग गाइडेंस तक देखते हैं और कौन कौन गाइडेंस तक वीडियो को देखता है। ओके, टेक अ ब्रेक, अ लाइफ्स वर्क नॉट अ सीजन, गेट ऑफ द ट्रेडमिल। आप में से जो लोग ओ माय गॉड, ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा बीच में ना अपने दिमाग को ब्रेक देने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हैं या फिर कुछ एक्स्ट्रा करने लगते हैं, तो बीच में एक बैलेंस बना के रखना, एक बीच में अपने आप को ब्रेक देना भी इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक ये मैसेज इसीलिए आया क्योंकि हमने इतना ज़्यादा हार्ड वर्क के बारे में बात किया है, इतना ज़्यादा एक्शन लेने के लिए बात किया है, और यहाँ पे यूनिवर्स हमें मैसेज दे रहे हैं कि पर अपनी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। ऐसा रूटीन बनाएं, ऐसा टाइम टेबल बनाएं कि अगर आप मेहनत ज़्यादा भी कर रहे हो तो आपको प्रॉपर रेस्ट मिल रही है। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी कर रहे हो पर आप मेडिटेशन करते रहोगे या एक्सरसाइज प्रॉपर करते रहोगे तो वो सारी चीज़ों को बैलेंस आउट कर देगी। तो और यहाँ पे यूनिवर्स एक और मैसेज मुझे समझ में आ रहा है कि आपको देना चाहते हैं, वो ये है कि जो आप मेहनत कर रहे हो वो एक रेस की तरह नहीं, एक मैराथन की तरह है, कि आपको उस मेहनत को अपनी डेली लाइफ में फिट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि चार दिन आपने बहुत मेहनत कर ली उसके बाद आपने अपनी कंसिस्टेंसी को ख़त्म कर दिया, फिर आपने दो दिन बहुत मेहनत कर ली और चार दिन आपने एकदम लेजीनेस दिखा दिया। तो थोड़ा सा ना बीच बीच में ब्रेक, मतलब इट्स ऑल अबाउट प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। तो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है, अपनी बॉडी को नरिश करना, प्रॉपर सोना, कभी भी इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा कि आपका खाना पीना, आपका सोना कितना ज़्यादा हेल्प करता है आपको लाइफ में हाइट्स तक पहुंचने के लिए। आपका वर्कआउट, आपका जो मेडिटेशन है या फिर माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस हैं, आप जैसे अपनी बॉडी को खाना खिलाते हो, क्या आप जंक फूड खा रहे हो, क्या ऑयली फूड खा रहे हो, मतलब ये सारी चीज़ें, क्योंकि आपकी बॉडी आपका वो चैरियट है, सारथी है आपका किसी भी काम के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी फिजिकल हेल्थ। और इसीलिए इन सब चीज़ों को साथ में इनकॉर्पोरेट करके एक लाइफस्टाइल आपको बनाना पड़ेगा। स्पेशली आई एम समवन जिसने डिसिप्लिन से बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, प्रॉब्लम थी, मैं बिल्कुल भी डिसिप्लिन में नहीं थी, मैं कभी भी खाना खा रही हूँ, कभी भी सो रही हूँ, कभी भी उठ रही हूँ। इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू रियलाइज़ कि अगर मैं लाइफ में किसी लेवल पे पहुँचना चाहती हूँ तो मेरा एक रूटीन होना चाहिए, मेरा डिसिप्लिन होना चाहिए, मुझे सोना पड़ेगा, मुझे प्रॉपर नींद चाहिए, मुझे वर्कआउट करना पड़ेगा, मुझे मेडिटेशन करना पड़ेगा अगर मैं
सक्सेसफुल होना चाहती हूँ लाइफ में, तो तभी आप लाइफ को इन्जॉय भी कर पाओगे और ज़्यादा भी कर पाओगे नो. तो प्रॉपर ब्रेक लीजिए, प्रॉपर काम भी करिए, मतलब एक बैलेंस ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बिकॉज़ ये कार्ड आने का आई थिंक मुझे रीज़न ये लग रहा है कि हमने हार्डवर्क के बारे में इतनी बात की है कि यूनिवर्स इज़ लाइक कि ओ माई गॉड, ये तुम इस डायरेक्शन में मत ले जाना कि तुम अपना ध्यान रखना बदल दो, बंद कर दो. ओ माई गॉड आई एम सॉरी. इट्स कमिंग, इट्स ऑल कमिंग टुगेदर. ओके. सो जो छोटे छोटे इंसिडेंट्स लाइफ में हो रहे थे, जो छोटे छोटे चैलेंजेस मिले थे, छोटे छोटे लेसन्स मिले थे, एक्सपीरियंसेस मिले थे, आज की आपकी ज़िंदगी में वो सारे लेसन, वो सारे एक्सपीरियंसेस, वो सारी चीज़ें मिलके आपके आगे के फ्यूचर को क्रिएट कर रही हैं या फिर मोल्ड कर रही हैं. मतलब कि किस्मत में कुछ लिखा था, बट वो अचानक से नहीं होता है. किस्मत में कुछ लिखा था वो अचानक से नहीं होता है. छोटे 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 से इंसिडेंट्स होते हैं जो फाइनली हमें उस डेस्टिनी तक लेके जाते हैं. तो आपकी लाइफ में जो छोटे छोटे से इंसिडेंट्स हुए हैं, फाइनली अब वो आपको एक प्रॉपर यू नो ये जो इंटीग्रेशन आपको देखने को मिलेगा कि अब आप जो ज़िंदगी जी रहे हो, आपने जो लेसन्स लर्न किए हैं वो भी है उस ज़िंदगी में, आपने जो स्किल सेट सीखा है वो भी आप यूज़ कर रहे हो उस ज़िंदगी में, जो आपकी पर्सनालिटी मोल्ड हुई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो भी है उस ज़िंदगी में, और ये सारी चीज़ें मिल के आपको आपकी परफेक्ट डेस्टिनी या फिर यू नो जो भी आप अचीव करना चाहते हो वहाँ तक लेके जा रही है. ऑल्सो आप में से बहुत सारे लोग अपनी सोल ट्राइब से मिलेंगे अगले कुछ महीनों में, क्योंकि ये चीज़ भी आपके लिए अब आपकी लाइफ में आ रही है. स्पेशली इफ़ यू आर समवन जो आपको लगता है कि मुझे कोई समझता नहीं है, यू नो मेरा कोई इतना क्लोज फ्रेंड नहीं है, मुझे वैसे लोग अभी तक नहीं मिले जिनके साथ मेरा लेवल मैच कर सके या फिर मेरी मैंटेलिटी मैच कर सके, तो आपको ऐसे भी कई सारे लोग मिलेंगे. ऐसा लग रहा है कि आप अपनी सोल ट्राइब से मिलने वाले हैं. लास्ट मैसेज है, ट्रस्ट द निगल. व्हाट इज निगलिंग फीलिंग ट्राइंग टू टेल यू? एक फीलिंग है जो बार 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 दिमाग में आती है, और ये फीलिंग है कुछ करने की. यू नो जैसे बार बार आप ये सोचने लग जाते हो कि शायद मुझे सुबह 5 बजे उठना चाहिए, मेरी लाइफ बेटर हो जाएगी. फिर आप नहीं उठ रहे हो, फिर 1 हफ्ते बाद वही फीलिंग आ रही है, फिर 2 हफ्ते बाद वही फीलिंग आ रही है, फिर 4 हफ्ते बाद यही लग रहा है कि अगर सुबह उठ गई ना तो मज़ा आ जाएगा. मतलब कि वो चीज़ आपके लिए सही है, मतलब कॉन्स्टेंटली यूनिवर्स आपको दिमाग में डाल रहे हैं कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, यू नो. तो उन सारी फीलिंग्स का भी ध्यान रखिए, उन पर एक्ट करिए. सो दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग टॉरस. और इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा. टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.